हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोरटेक। और आज हम बात कर रहे हैं नॉन राउटेबल एड्रेस के बारे में। तो क्या होता है नॉन राउटेबल एड्रेस? तो ये बेसिकली एक ऐसे एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं, जिस पे हम विजिट नहीं कर सकते। नाउ क्यों इन आईपीज पे आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक कीजिए, और मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के सजेशन और डाउट के लिए हमेशा ओपन है ही। तो चलिए बात करते हैं नॉन राउटेबल एड्रेस स्पेस के बारे में। तो जब मैंने अपनी IPv4 वर्सेस IPv6 की वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि क्यों हमारे पास IPv4 के होते हुए IPv6 की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो ज़रूर से देखें, जानने को मिलेगा आपको बहुत कुछ। तो IPv6 की ज़रूरत मोटा मोटा अगर बताऊँ तो इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास IPv4 की हमें कमी पड़ने लग गई थी। नाउ कमी पड़ने लग गई तो यानी कि अब बहुत ज़्यादा नहीं बचे। नाउ फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर कोई एक न्यू कंपनी खुल जाती है, कंपनी में मान लो 1 लाख न्यू कंप्यूटर्स वो ऐड करती है और बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है आज की डेट में, तो उन 1 लाख कंप्यूटर को इंटरनेट पे एक्टिव रखने के लिए हमें उन्हें 1 लाख न्यू आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि IPv4 में कमी पड़ रही है, 1 लाख आईपी एड्रेस हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो उसी के लिए एक वे है, जो ये इंटरनेट अथॉरिटिंग सर्विसेज होती हैं, मतलब जो पूरे इंटरनेट को चलाने के लिए जो अथॉरिटिव सर्विसेज होती हैं, जो कंट्रोल करती हैं पूरे इंटरनेट को कि कैसे वर्क करेगा और कैसे वर्क नहीं करेगा, उन्होंने एक वे निकाला। उन्होंने कुछ सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस रिलीज करे जो कि कोई भी पर्सन यूज कर सकता है अपने लिए, एंड दैट विल बी नॉन राउटेबल एड्रेस। नाउ क्या मतलब हुआ इसका, तो डिटेल में बताता हूँ मैं। बेसिकली आईपीज के सेट है हमारे पास, 3 सेट हैं। पहला है हमारे पास 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। सेकंड जो कॉमनली आपने देखा होगा, दैट इज 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। और थर्ड जो एड्रेस स्पेस आता है वो आता है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। तो ये बेसिकली 3 हमारे पास रेंज है। इन रेंज के अंदर के जो भी आईपी एड्रेसेस हैं उस पे हम विजिट नहीं कर सकते। नाउ ये एक ऐसे आईपी एड्रेसेस होते हैं जो कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नेटवर्क यूज कर सकता है अपने लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जो मैंने अभी रिसेंट में एग्जांपल लिया था कि कंपनी 1 लाख अगर अपने कंप्यूटर्स ले लेती है, तो उन 1 लाख कंप्यूटर को वो इनमें से कोई भी आईपी एड्रेसेस दे सकती है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ NAT यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से हमारे पास ये जो नॉन राउटेबल एड्रेस है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने अभी बोला कि नॉन राउटेबल एड्रेस से हम इंटरनेट विजिट नहीं कर सकते, ना ही इंटरनेट का कोई पर्सन आप पे विजिट कर सकता है, तो NAT की हेल्प से यानी कि नॉन राउटेबल एड्रेस स्पेस हमारे कंप्यूटर्स में होगा, जो भी बिग MNCs हैं उनके कंप्यूटर्स में होगा, देन वो यूज़ करेंगी NAT और वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगी। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि इतने सारे अगर 1 लाख कंप्यूटर हैं, तो 1 लाख कंप्यूटर पे ये जो नॉन राउटेबल एड्रेस है, ये एड्रेसेस डिवाइड कैसे होंगे? तो उसके लिए अगेन हमारे पास एक चीज़ यूज होती है जिसे हम बोलती है DHCP, दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल। मैं उसकी वीडियो भी डाल चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता DHCP क्या है तो आप ज़रूर से उस वीडियो को भी देखिएगा। तो ऐसे सारी बिग MNCs वर्क करती हैं, उनको हर बार हम न्यू आईपी एड्रेस देना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने कुछ ऐसे सेट बना रखे हैं जो कि कोई भी इंसान अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकता है। हो सकता है 192.168.1.1 आईपी आप यूज़ कर रहे हैं एंड सेम आईपी मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, और सेम आईपी इस वक्त दुनिया के 1 लाख लोग और यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और इसी वजह से, क्योंकि मल्टीपल लोग हमारे उस आईपी को यूज़ कर रहे होंगे, तो हम उन आईपी एड्रेसेस पे विजिट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा नेटवर्क जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इस पर्सन पे जाऊँ, इस पर्सन पे या इस पर्सन पे। और एक जो हमारे पास IPv4 एड्रेसेस की कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए हमने ऐसे सेट निकाल दिए ताकि हर इंसान के पास इनफ आईपी एड्रेसेस हो अपने लोकल एड्रेस के अंदर यूज़ करने के लिए, एंड देन वो NAT का यूज़ करके इंटरनेट एक्सेस भी कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।